रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू PTB जमात दोयम का लेक्चर नंबर 22 पढ़ना शुरू करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, अपनी उर्दू की कॉपी खोलें, इंडेक्स बनाएं, अनवान लिखें हमद, मार्जिन लाइन लगाएं, सेंटर में लाइन लगाएं, इस तरीके से लिखना स्टार्ट करें। अनवान हमद अल्फाज के मायने लिखें। बरकत, नेमत का ज़्यादा हो जाना। शान, मर्तबा। गवाही, सबूत। मौला, मालक, आका। अजब, अजीब, अनोखा। अजीब या अनोखा। रब, पालने वाला। रब, पालने वाला। आगे नेक्स्ट पेज खोलें, लिखें दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? इस सबक में किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात को। आगे नेक्स्ट सवाल देखें, इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इस नज़म में जितने भी अल्लाह के नाम आए हैं वो आपने देखने हैं। अल्लाह, अलाही, मौला, मालिक, रब। अल्लाह, अलाही, मौला, मालिक, रब। आगे अगला सवाल देखें, बताएं इस नज़म को हमद क्यों कहा गया है? बताएं इस नज़म को हमद क्यों कहा गया है? इसका जवाब है, क्योंकि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। क्योंकि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। ये आपने अच्छे तरीके से अपने याद करना है। हमद अल्फाज के मैंने याद करने हैं, बाद में आपने ये सवाल जवाब याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। अल्फाज मैंने अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और लिखने अच्छी सी राइटिंग में हैं। इसी तरीके से कॉपी को रेडी करके फिर लिखने हैं। शुक्रिया।